फ्रेंड्स, मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लिटिल डिजायर पे। तो आज की मेरी जो रेसिपी है वो ये है। ये मसालेदार भिंडी, यहाँ मैंने ये ली है 500 ग्राम भिंडी। इसको मैंने धो करके पहले ही साफ़ कर लिया था और सुखा भी लिया है। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा आज का ब्लॉग, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल लिटिल डिज़ायर को और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। यहाँ मैंने भिंडी का आगे और पीछे से जो आप छोटा छोटा जो पीस एक्स्ट्रा निकालते हैं वो मैंने यहाँ निकाल दिया है। और मैं ना इस भिंडी को एक में बीच में से दो पोर्शन में काट करके और पूरी भिंडी का बस 4 पीस ही करना है। बहुत ज़्यादा छोटी भिंडी नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा छोटी भिंडी होती है तो वो जल्दी से गल जाती है और बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है। इस तरीके से मैंने इसलिए काटा है। भिंडी बहुत सारी शेप में कटती हैं, बट मेरे घर में ऐसी खाया जाता है तो मैंने इस तरीके से काटा है। और ये इस तरीके से देखने में भी थोड़ा अच्छी लगती हैं। आगे पीछे से निकालिए और बस बीच में से एक कट लगाइए। छोटी भिंडी है तो उसमें एक सिंगल कट लगा दीजिए। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसको मैं ऐसे ही लंबा लंबा काट रही हूँ। और यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च भी ली हैं, इसको भी मैं लंबा लंबा काट के डाल दूँगी। इससे क्या होता है कि अगर आपको किसी को अगर हरी मिर्ची नहीं खानी तो वो भिंडी में नहीं आती है, ये अलग से दिख जाती है खाने में आपको। ये बच्चों के लिए बेटर रहता है। देखिए मेरी सब्ज़ी कट गई है। यहाँ मैंने कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच तेल लिया है और यहाँ मैंने ये डाला है अजवाइन, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच अजवाइन डाली है मैंने। उसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। और यहाँ डालिए लगभग 1 चुटकी हींग और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और ये 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है। मिर्च मैं अभी नहीं डालूँगी, हल्दी इसमें बहुत कम ही डलती है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ ये 2 बड़े चम्मच बेसन। ये देखिए बेसन के टाइम में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि गैस को एकदम लो रखना है, अदरवाइज़ हमारा बेसन जल जाएगा। यहाँ मेरा बेसन फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। ये जो प्याज है वो मैंने ऊपर ऊपर इसीलिए, क्योंकि हमको प्याज को फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सॉल्टे करना है। क्योंकि जब भिंडी फ्राई होगी तो भिंडी के साथ साथ ये प्याज भी फ्राई होगी। अगर हम इसको अभी से फ्राई कर लेंगे तो जब भिंडी फ्राई होगी तो ये जब तक प्याज हमारी जल जाएगी। इसमें आपको जो बेसन जब आप डालते हैं इस स्टेज तक, मैंने जो है गैस को बंद कर दिया है, या तो आप स्लो कर दें या आप गैस को बंद कर दें ताकि हमारी सब्ज़ी जले नहीं। अब मैंने ये भिंडी डाल दी है इसमें। अब मैं इसमें गैस को भी ऑन कर दूँगी इसमें, क्योंकि भिंडी में पानी तो हम डालते नहीं हैं और ना इसमें बहुत ज़्यादा अपना मॉइस्चर होता है तो ये जलने लगता है। अब मैं इसमें लाल मिर्ची ऐड कर दूँगी और इसमें थोड़ा सा जो आप स्वाद के अनुसार आपका नमक जाएगा, मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून यूज़ किया है तकरीबन। और इसको अच्छे से मिक्स करना है जिससे सारा मसाला ये जो है भिंडी पर चिपक जाए। आप इसको मिक्स थोड़ा अच्छे से कीजिए, पूरा टाइम दीजिए। और यहाँ मैं ये 1/2 नींबू भी इस पे इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ। एक्चुअली नींबू डालने से क्या होता है, एक तो टेस्ट अच्छा आता है और ऊपर से जो भिंडी आपस में चिपकती है वो नहीं चिपकती, इसमें खिली खिली भिंडी बनती है नींबू अगर आप पहले ही डाल देंगे। और इसको ढक करके हमें 2 मिनट के लिए रख देना है। सिर्फ 2 मिनट ही आपको ढकना है, बहुत ज़्यादा देर पूरी भिंडी हमको ढक करके नहीं पकानी है। देखिए आफ्टर 2 मिनट मेरी भिंडी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं पकी है। अब मैं इसको खोल कर ही पकाऊँगी जितना भी मुझे पकाना है। ये देखिए हल्का सा इसमें कच्चापन है, बस अब मैं इसको ऐसे ही ओपन फ्राई करती रहूँगी, चलाते चलाते ये फ्राई हो जाएगी अच्छे से, जितना भी इसमें मॉइस्चर होगा वो भी मिल जाएगा। और ये मेरी भिंडी फ्राई हो गई है। अब मैंने लास्ट में डाला है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और मैं इसको भी एक अच्छा सा मिक्स दूंगी। भिंडी को पकने के लिए पूरा टाइम दीजिए। मेरी यहाँ भिंडी देख लीजिए बन करके तैयार है और चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो यहाँ होती है हमारी रेसिपी एंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय। यहाँ मैंने ये भिंडी को मसालेदार रायते के साथ और पराठे के साथ सर्व किया है।